सुर्ख रंग की नफ्सियात। सुर्ख रंग मुस्बत और मनफी दोनों जज्बात से वाबस्ता है। अगरचे सब्ज और नीले जैसे ठंडे रंगों को आमतौर पर पुरअमन और पुरसुकून समझा जाता है, सुर्ख रंग को रंगों का सबसे गर्म और मुतजाद समझा जाता है। दरहकीकत ये आतशी रंग किसी भी दूसरे रंग के मुकाबले में ज्यादा मुखालिफ जज्बाती वाबस्तगी रखता है। सुर्ख रंग जज्बा और मोहब्बत के साथ साथ ताकत और गुस्से से जुड़ा हुआ है। सुर्ख रंग खतरा और वार्निंग भी देता है। सुर्ख रंग पीले रंग के बाद स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा नजर आने वाले रंगों में से एक है। फौरी तौर पर लोगों की तवज्जो हासिल करने की इसकी सलाहियत की यही वजह है कि इसे अक्सर लोगों को आने वाले खतरे से खबरदार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सोचें, स्टॉप के निशानात, सायरन, फायर इंजन और सुर्ख ट्रैफिक के लाइट्स। लोग सुर्ख रंग को मनफी खतरे वाले जज्बात के साथ जोड़ते हैं। इसकी वजह यह हो सकती है कि यह आग, खून और बाज औकात जहरीले या खतरनाक जानवरों का रंग है। सुर्ख रंग जोश और तवानाई को मुतर्रिक करता है। सुर्ख रंग जोश और तवानाई को भी मुतर्रिक करता है। यह मुहर्रिक रंग जोश खरोश से भी वाबस्ता है। मुतालात से पता चलता है कि सुर्ख रंग का सामना करना या पहनना मंदरज झैल जिस्मानी असरात में से कुछ का सबब बन सकता है। बुलंद फिशार खून, बेहतर मेटाबॉलिज्म, दिल की धड़कन में इजाफा, सांस लेने की शरह में इजाफा, ये तमाम जिस्मानी तब्दीलियां कुदरती तौर पर आपकी तवानाई की सतह में इजाफे का सबब बनती है। ये रंग आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर आपकी भूख बढ़ाने के लिए भी जाना जाता है। यही वजह है कि रेस्तरानों में सुर्ख रंग बहुत मकबूल है। सुर्ख रंग गलबा से भी वाबस्ता है। सुर्ख रंग से सिर्फ मूड और जज्बाती मुतासिर नहीं होते, बल्कि खेलों के मैदान में सुर्ख रंग पहनना आपके जीतने के इम्कानात को भी बढ़ा सकता है। एथेंस में 2004 के ओलंपिक्स में चार खेलों, बॉक्सिंग, ग्रीको रोमन रेसलिंग, फ्री स्टाइल रेसलिंग और ताइक्वांडो के हरीफों को तारुफी तौर पर सुर्ख या नीले रंग के लिबास दे दिए गए थे। चारों मुकाबले में सुर्ख पोश हरीफों ने ज्यादा लड़ाइयां जीती। बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये नताइज सुर्ख कलर की वजह से बरामद हुए, क्योंकि सुर्ख कलर में गलबा की अलामत पाई जाती है। मिसाल के तौर पर सुर्ख यूनिफॉर्म पहनने से खिलाड़ी गालिब महसूस कर सकता है और ज्यादा जारियाना कारकर्दगी दिखा सकता है। मुतबादिल के तौर पर सुर्ख रंग के खिलाड़ियों को ज्यादा जारहाना और ज्यादा गालिब समझा जाता है। वजह कुछ भी हो, ये वाजे हैं कि सुर्ख पोश खिलाड़ी अपने मुखालिफिन पर नुमाया बरतरी हासिल करते हैं। शायद यही वजह है कि टाइगर वुड्स समेत बहुत सारे एथलीट्स जब मुकाबला करते हैं तो सुर्ख लिबास पहनते हैं। सुर्ख रंग जज्बा और ख्वाहिश की अलामत है, लेकिन सुर्ख रंग हमेशा खतरे और जारियत का इशारा नहीं देता। शायद ऐरत की बात होगी। सुर्ख रंग जज्बा, मोहब्बत और ख्वाहिश की भी अलामत है। ये अंजुमन इस बात की वजाहत करती है कि क्योंकि सुर्ख पहने हुए लोगों को मुखालिफ जिंस की तरफ से मुसलसल ज्यादा पुरकशिश करार दिया जाता है। 2008 में शाये होने वाली एक तारीखी तहकीक में मुहक्किकीन ने मर्दों को एक औरत की तस्वीर दिखाई। और उनसे उसकी कशिश की दर्जा बंदी करने को कहा। कुछ मर्दों ने एक औरत को सुर्ख कमीज पहने देखा, जबकि दूसरों ने उसी औरत को नीली कमीज पहने देखा।
नताज से पता चलता है कि मर्दों ने सुर्ख रंग की औरत को नीले रंग की एक ही औरत से ज्यादा जिंसी तौर पर मतलूबा करार दिया, ज्यादा पुरकशिश करार दिया। और कुछ मुहक्किकीन ये नजरिया भी पेश करते हैं कि सुर्ख रंग का जिंसी जोश के साथ ताल्लुक ये है कि जोश के दौरान खून का बहाव बढ़ जाता है, जिससे जिल्द, खास तौर पर चेहरा सुर्खी मायल हो जाता है।